जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ताकि मित्रों, हम सब जिनकी प्रतीक्षा में थे, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में पहुंच गए हैं। आप सबसे आग्रह है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मान। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार देश में थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं घटित होती थी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके चला जाता था, चीन भारत की सीमा में घुस करके भारत की संप्रभुता को चुनौती देता था। आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस मौन रहती थी, आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे पर सपा बसपा की सरकारें मौन रहती थी, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर लोग मौन रहते थे, इनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती थी। विगत 5 वर्ष के दौरान मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को आपने देखा होगा, 5 वर्ष में जो कांग्रेस नेतृत्व की 10 वर्ष की सरकार में नक्सलवाद 270 जिलों में फैला था, आतंकवाद फैला था, नक्सलवाद फैला था, उग्रवाद फैला था, मोदी जी की सरकार में मात्र 5 वर्ष में 270 से घटकर के 5 से 6 जिलों में सीमित रह गया है। और विश्वास करिए, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद भारत की धरती से सदैव के लिए समाप्त होगा। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर किसी जगह से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और आतंकवाद के प्रश्रय दाता की चर्चा करते हैं, तो भाइयों बहनों, पसीना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर एसी रूप में बैठकर के आता है कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट कर दे। ये है भारत का शौर्य और पराक्रम। ये अगर किसी ने करके दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया। लोकतंत्र के इस महापर्व के रूप में देश की जनता मना रही है, उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और चारों ओर, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी राज्य में हो, चारों ओर एक आवाज है, आम जनमानस में एक उत्साह है, एक उमंग है, और वह उमंग है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, मेरे साथ आप बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, यानी पूरे देश के अंदर यह एक आवाज बन चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार। अचानक नहीं है, कोई सरकार 5 वर्षों तक कार्य करे, भले ही सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप न हो और लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, हर एक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है, उन कार्यों की बदौलत आज पूरे देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो,
किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी राज्य, हर एक ओर एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और ये मोदी सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 5 वर्षों तक उस प्रकार का कार्य भी किया। हमारी सरकार आई, हम लोगों से, लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा पहला क्या कार्य करेंगे, हमने कहा हमारा संकल्प पत्र था किसानों के कर्ज माफी का, हमने पहला काम किया किसानों के कर्ज माफ करने का, हमने दूसरा कार्य किया अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, हमने तीसरा कार्य किया बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियोस स्क्वाड का गठन करने का, हमने चौथा काम किया गरीबों को भूमि के पट्टे हो सके इसके लिए हमने चौथा काम किया एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करके जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था उन कब्जों से मुक्ति करने का एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी 2012 में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया? पहला काम उन्होंने किया था राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी न्यायपालिका पर लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का कार्य कांग्रेस नेतृत्व की समाजवादी पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया था। हम धन्यवाद देंगे उस समय न्यायपालिका ने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। आप सोचिए अगर ये आतंकी बाहर होते फिर जगह जगह विस्फोट होते, अराजकता फैलती, निर्दोष लोग मारे जाते, विकास ठप पड़ता, आतंकवाद और अपराध के खिलाफ कैसे कार्य किया जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। आप प्रयागराज में देखे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा समागम, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आए थे, एक भी तिनका नहीं हिला। सुरक्षित कुंभ और स्वच्छ कुंभ कैसे होना चाहिए प्रयागराज कुंभ ने उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने सुरक्षा भी दी, हमने स्वच्छता का मानक भी तय किया, हमने श्रद्धालुओं को भी कोई असुविधा नहीं होने दी। ये कार्य पद्धति है। आज हर गरीब को राशन कार्ड मिला है, आज हर किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत 4,000 रुपए की किस्त उन तक पहुंच चुकी है। और मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं जितने भी किसान हैं कि बदौलत आज पूरे देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी राज्य, हर एक ओर एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और ये मोदी सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 5 वर्षों तक उस प्रकार का कार्य भी किया, उस प्रकार के कार्यक्रमों को करके दिखाया। ये कार्य 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को आवास, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 7 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था करना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना,
37 करोड़ गरीबों का बैंक में खाता खुलवा करके उन्हें बैंक की सुविधा के साथ जोड़ना और 50 करोड़ देश के नागरिकों को आयुष्मान भारत में निशुल्क स्वास्थ्य का कवर देना, यह अगर किसी ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर मोदी मोदी की गूंज है। भाइयों बहनों, एक तरफ लोक कल्याणकारी योजनाएं और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, ही सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप न हो और लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, हर एक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है, उन कार्यों की बदौलत आज पूरे देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी राज्य, हर एक ओर एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और ये मोदी सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 5 वर्षों तक उस प्रकार का कार्य भी किया, उस प्रकार के कार्यक्रमों को करके दिखाया। ये कार्य 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को आवास, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 7 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था करना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीबों का बैंक में खाता खुलवा करके उन्हें बैंक की सुविधा के साथ जोड़ना और 50 करोड़ देश के नागरिकों को आयुष्मान भारत में निशुल्क स्वास्थ्य का कवर देना, या अगर किसी ने गलती थी विगत 5 वर्ष के दौरान मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को आपने देखा होगा। 5 वर्ष में जो कांग्रेस नेतृत्व की 10 वर्ष की सरकार में नक्सलवाद 270 जिलों में फैला था, आतंकवाद फैला था, नक्सलवाद फैला था, उग्रवाद फैला था, मोदी जी की सरकार में मात्र 5 वर्ष में 270 से घटकर के 5 से 6 जिलों में सीमित रह गया है। और विश्वास करिए, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद भारत की धरती से सदैव के लिए समाप्त होगा। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर किसी जगह से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और आतंकवाद और आतंकवाद के प्रश्रय दाता की चर्चा करते हैं, तो भाइयों बहनों, पसीना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर एसी रूप में बैठ कर के आता है कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट कर दे। ये है भारत का शौर्य और पराक्रम। ये अगर किसी ने करके दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य करके दिखाया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो,
इन सरकारों की कार्य पद्धति को आपने देखा, कैसे कैसे कार्य। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों से, लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा, पहला क्या कार्य करेंगे। हमने कहा हमारा संकल्प पत्र था किसानों के कर्ज माफी का। हमने पहला काम किया किसानों के कर्ज माफ करने का। हमने दूसरा कार्य किया अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। हमने तीसरा कार्य किया बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियोस स्क्वाड का गठन करने का। हमने चौथा काम किया गरीबों को भूमि के पट्टे हो सके, इसके लिए हमने चौथा काम किया एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करके जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, उन कब्जों से मुक्ति करने का एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी 2012 में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया? पहला काम उन्होंने किया था राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी न्यायपालिका पर लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का कार्य कांग्रेस नेतृत्व की समाजवादी पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया था। हम धन्यवाद देंगे उस समय।